डायग्राम ऑफ मटेरियल सोन इन फिगर, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है मटेरियल का, और ओपन सर्कल फील्ड डिनोट द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, जो खाली सर्कल है वो होल डिनोट करता है और जो भरा हुआ सर्कल है वो इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहा है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ से अब ये जो बैंड डायग्राम है, इस बैंड डायग्राम को देख के हमें पता करना है कि मेटल है, इंसुलेटर है, एन टाइप है, पी टाइप है, ठीक है। अब आप बैंड गैप अगर पढ़े होगे तो तभी इसको कर सकते हो। तो एनर्जी बैंड अगर प्योर जब डॉपिंग नहीं होती है, प्योर एनर्जी बैंड डायग्राम आप दे मटेरियल, प्योर अगर मटेरियल है तो चलो ये इसका कंडक्शन बैंड है मान लेता हूँ, और ये इसका बैलेंस बैंड है। बैलेंस बैंड थोड़ा सा पतला होगा और कंडक्शन बैंड थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, और इनके जो मिडल है बीचों बीच, यहाँ पे मिडल पे बीचों बीच एक फर्मी लेवल होता है, एनर्जी लेवल, इसको हम फर्मी लेवल आप पढ़े होंगे। अभी डॉपिंग नहीं हुई, इम्प्योरिटी नहीं है, प्योर सेमी कंडक्टर है, तो प्योर मटेरियल है ये पढ़े होंगे। तो जो बैलेंस बैंड है उसमें ये इलेक्ट्रॉन हो भी सकते, इसमें तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही रहेंगे, बैलेंस बैंड है यार, नहीं तो बैलेंस बैंड है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को बैलेंस बैंड कहते हैं, जो सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो कंडक्शन बैंड में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अभी देखो, अभी यहाँ क्या है, कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन है, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके चले गए हैं, तो यहाँ होल क्रिएट हो गया है। तो इसका मतलब होल भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। चलो, अब जब डॉपिंग होती है तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि जो फर्मी लेवल है इसका, यहाँ पर बनाया गया है, ये जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड के पास में है, ठीक है, और बैलेंस बैंड के क्लोज है। तो बैलेंस बैंड के क्लोज कब होता है, अब ये प्योर सेमी कंडक्टर की कहानी ऐसे थी। अब जब हम डॉपिंग करते हैं तो डॉपिंग दो तरह से होती है, एक होती है एन टाइप की डॉपिंग, ट्राई वैलेंट से डॉपिंग होती है, ट्राई वैलेंट क्या बनाता है, पी टाइप बनाता है। तो पी टाइप से जब डॉपिंग करते हैं तो कहानी अलग होती है, ये फर्मी लेवल चेंज हो जाता है, और जो एन टाइप से डॉपिंग करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर जब बनते हैं तो किससे डॉपिंग करते हैं, ट्राईवैलेंट, जिसके वैलेंस में क्या कर रहा हूँ यार, एन टाइप पेंटावैलेंट, ठीक है। तो यहाँ से ये एन टाइप जो है वो पेंटावैलेंट कुछ ज़्यादा ही ट्राईवैलेंट मुझे याद आ रहा था। तो ये जो है, अब देखो ये डायग्राम बदल जाएगा, कैसे बदलेगा उस चीज़ को समझ लो, इसी पे एक क्वेश्चन है। तो यहाँ से कंडक्शन बैंड तो मेरा वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा चौड़ा होगा, और कंडक्शन बैंड ऐसे ही रहेगा, बैलेंस बैंड उतना ही थिन रहेगा, लेकिन ये जो फर्मी लेवल है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, यहाँ पर भी देखो, जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये जो फर्मी लेवल है वो शिफ्ट हो जाता है, फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास आ जाता है, दिस इज द फर्मी लेवल। ये अलग अलग मटेरियल पे ये एनर्जी गैप एग्जिस्ट करती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ जाते हैं और यहाँ होल आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, होल भी रहते हैं। तो ये फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास आ जाता है, और ये वैलेंस बैंड है, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि कंडक्शन बैंड जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमने डॉपिंग ही ऐसी की है कि इतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है कि उसकी इच्छा है कंडक्शन करने की, वो उसकी थोड़ी सी भी एनर्जी मिली वो कंडक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। तो कंडक्टिविटी तो तभी स्टार्ट करेगा जब फर्मी लेवल है जो डॉपेंट है, जो पेंटावैलेंट है, उसकी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के पास होगी यार, आया समझ में, कंडक्शन बैंड के पास होगी ये। और जब पी टाइप में सेमीकंडक्टर डॉपिंग करोगे तो ये फर्मी लेवल, ये अब इसमें और इसमें जो है होल कंडक्टिविटी करेगा, तो होल कंडक्टिविटी करेगा तो जो डॉपेंट ट्राइवेलेंट उसकी एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड के पास आ जाती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा होल्स रहते हैं, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ऑब्वियसली देखो, फर्मी लेवल से इस क्वेश्चन को पहचानो, ये क्या है, ट्राईवैलेंट का बैंड गैप है और ये पेंटावैलेंट का बैंड गैप है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें होल्स ज़्यादा होंगे, ये सारी चीज़ें, और ये प्योर है, जीरो केल्विन इसमें प्योर है, डॉपिंग नहीं हुआ। तो अब देखो, इसमें से फर्मी लेवल आइडेंटिफाई करो कि किसके पास है। तो ऑब्वियसली जो फर्मी लेवल है ये
बैलेंस बैंड के करीब है तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का है, इंसुलेटर नहीं हो सकता क्योंकि इंसुलेटर होता तो कंडक्ट, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते यार, फिर इलेक्ट्रॉन्स मेटल मेटल होता जब डॉपिंग नहीं होती तो फर्मी लेवल बीच में होता, ठीक है, एन टाइप तब होता, ये जो फर्मी लेवल है वो इसके पास होता कंडक्शन बैंड के, तो पी टाइप है तो फर्मी लेवल इसके पास है। तो आई होप कि आपको मजा आ गया होगा समझ के। चलो यहाँ देखो, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो।